या सैयदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। बंदाए परवरदिगार हम उम्मत अहमद नबी दोस्तों दारे हुमा यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील हाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर बादस कलाम सामिन कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व मनवालुहु दी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे एक मकाम तो आया मुबारक तिलावत करण दा शर्फ हासिल किया। दुआ खला के अजी आयात बयानात दा सही मफहूम मानी मतालिब तर्जमा तफसीर तशरीह सुनावण दी अल्लाह कामिल तौफीक नसीब फरमा। वादहू ला शरीक दी इज़ात पाक अज दी मुकद्दस मुअत्तर मुअम्मर आला अरफा महफिल उर्स सरापा खुद्स वली कामिल पीर मुगां पीर तरीकत रहबर शरीयत खतीबुल लिसान खतीबुल अस शमशीर बेनियाम रईसुल मुतकल्लिमीन साहिबजादा वाला शान हुजूर किबला पीर अब्दुल गफूर झंडी नब्बर अल्लाहु मरकदहु तआला। अल्लाह ताला आप दे इल्मी और गैरती फैजान तो असा सारियों को मुस्तफीज फरमा। अजी कदर मुक्तदर साहिबजादगान पीर तरीकत रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद दुर्रे अली दामत फयूज़हुम ज़विल एहतराम मुक्तदर मुफ्तियान इज़ाम सविल एहतराम ख़तीब पाकिस्तान बुज़ुर्ग आलम दीन साहिबजादा वाला शान हुज़ूर अल्लामा मौलाना क़ारी मुनीर अहमद सईदी साहिब आप अपनी नशिस्त उत्ते बड़ा जमान हैं। यमीन व यसार मुक्तदर उलमाए कराम असातिज़ा इज़ाम हुफ़ाज़े कराम कुरा हज़रात सनाखान हज़रात आइमा मसाजिद मुअल्लिमीन मुतअल्लिमीन और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी तो वाबस्ता आका करीम दे तमाम सोने गोला चंद देर वास्ते लब खुशई का मौका नसीब थींदा पे। अल्लाह करीम असा सारियों को कुरान दा फाहम अता फरमा और दीन मुबारक दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ाते पाक असा सारियों को समझ अता फरमावे। मुनाज़िरे इस्लाम साहिबजादा वाला शान अशरफुल उलमा कन्ज़ुल मुदर्रिसीन हुज़ूर किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान किबला मुफ्ती मोहम्मद शौकत सियालवी साहिब जो कि साड़ी जमात की एक शौकत है और जमात आले सुन्नत की भी एक शान और शौकत के नाल अपनी स्टेज उते ठीक आके शौकत थी ना और इंशाल्लाह करे इन्हें शान और शौकत सलामत रहा। रब दी ज़ाते पाक साढ़े कोला मा दा साया बा पाया हुमा पाया ता देर तक साढ़े सिरां दे उत्ते जिंदा हो जावेद सलामत फरमा। काफ़ी दिल दी धड़कन को कंट्रोल कर दे और अपने पूरी रगो रेश दियाँ हरकतों को संभालते ई जगह दे उत्ते खड़ना पौंदा है। खुले मैदान बंदा खुला होंगे मगर जल्ले बंदा पिलवाना च खड़ा होंगे तो उमेले जड़ा मुँह चु लफ्स कढ़ेंदा खड़ा होंगे बंदा कोशिश करे नाप ही पूरी होवे तौल ही पूरी हो। बाज दफ़ा इवें थी वेंदे कि सब कुछ चोले इश्तियार वे पवाए वेंदे। मैं खुद इवें दुनियादार दियाँ बंदा हाँ और दुनियादार तू भी गिया गुजरा हो सा। मैं अपने आप को बिल्कुल इवें सुंगाड़ते रखदा तो अपने आप को इवें सुंगड़ा होया रखदा तो वल मैं कपड़े ही सुंगड़े हुए पे मगर मैं अपनी किस्मत के उत्ते एक नाज करे ना मेरे कपड़े सुंगड़े हुए मेरा दिल खुला है। मैं कदा अपने दिल को सुंगाड़ते कह नहीं रखा हो मैं अपने दिल को खुली फिजा भेजा है क्योंकि जल्द कोई शिकारी कहीं परिंदे तो मेहनत करेंगे ना तो
वल उकु वक्त उते चोग देवे, वक्त उते उकु पानी देवे, वक्त उते उकु जरिए खोलते उकु खुली फिजाए च छोड़ देवे, जरी मिट्टी च खेडा, जरी पर खिंडावा, वो हिलका थींदा 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 इतना थी वेंदे कि वल मालिक उकु छोड़ देंदे, वल शाम को वापस अपने पिंजरे च वल आंदे। मैं अपने दिल को यो कुछ आखा है, मैं तो कुछ जंगल च छोड़े सा, पर तैं हर बूहे दे उते चोग नहीं चुगनी, तैं चोग डू बूहे दे उते वन के चुगनी है, या वलियां ते दर दे चुगनी है, या मदरसियां ते दर दे चुगनी है। ये मैं ते को खुली फिजा देना, मगर क्योंकि इन जगह दे उते उलमा दा जमे गफीर है, और मदरसीन भी बैठे, मोता कलमीन भी बैठे, और सामीन भी कमाल बैठे, और इतने वड़ी स्टेज उते मेरी तो एक जुरत ही कहनी भाई, सीधी जी गाल है। ये तो भाई जान और फरमाए भाई तू एक दफा ही मैं मदरसे आवे पिया, और मैं मेरे को ना ही सदना, मैं तो खुश मिजाज या बंदा, मैं तो आप ही लाग लेना, और बाज दफा मेरे को आ दिन काके आ दिन पीर सिंह तो सदा था कह नहीं, मैं कला नबी तो आदा है सादा ही तो नबी है। क्या इतना तक असा अपने आप को महदूद कर दूँ कि असा फ्लैक्सा में आऊँ, इश्तिहार में आऊँ, वल चाके के चाहूँ, असा नावा चाहूँ, वल लोग साढ़े नारे मारे, कई वेले इवें होना चाहिए है कि बंदा बेनिशान ही थी पहुँच वे, मगर उनकी तरफ एक आवाज आती है कि अगर तू बेनिशान थी तो जीसे ना तेरा निशान मिटन कहना दे, और कई बाबे आख दिता ही कि बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो जल्द कोई बंदा ई जगह के उत्ते बंद है और ई जगह के उत्ते आँदे तो उन वेले एक उस्ताजी और जल्द मदरसे के अंदर पढ़ेंदे पे, खासकर जड़े कुछ साहबजादगान होंगे वो थोड़ा तालीम और तालम के नाल उन्हों का वास्ता थोड़ा जहाँ दूर दा होंगे, और वल वो क्योंकि साहबजादगी अंदर सारा ही वक्त गुजरें दे, ना बने तो साहबजादे नहीं बनते, जो बन वन तो वल साहबजादे ए संभा मुसम्मा बन लेंगे, वल उन्हों वर्गा कोई बन ही नहीं सकता। मगर उस्ताद जी उन्हें एक लफ्ज शुरू को एक पढ़ाया है कि मा यता लफाजो बेहिल इंसान, जिस तलफ़ से इंसान बोलता है तो उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के उत्ते उस्ताद और ने वाल 12-14 साल लवा छोड़िया, सिर्फ ही लफ्ज के उत्ते लाम फीए ते जोए के उत्ते, मैं फे जोएता हूँ आधा खाना, कुछ जट हजरात भी बैठे लाम भी आख आख सकदा, फा भी आख सकदा, वाह भी आख सकदा, मगर इंदा वास्ता थोड़ा जहाँ वल दूर दा थी वेंदे, वल जेड़े साढ़े बिल्कुल सादा लो अहबाब तशरीफ फरमाए तो वल वो जल्द साढ़े मुँह का टेढ़ा पन दे दिन तो वह आते नहीं, पता नहीं मौलवी किमें खड़े बोलेंदे, ये बाकायदा तौर के उत्ते सबको एक रिहर्सल कराई वेंदी है, बाकायदा तौर के उत्ते सकू टाइम पीरियड दिता वेंदे, बाकायदा तौर के उत्ते सकू एक वर्क दिता वेंदे, और सकू इन उत्ते अबूर हासिल करवाया वेंदे कि तुसा ये जरा अलिफ तो रख के वड़ी ये तक ये हर जाद तो ही नहीं कढ़ना, हर दा लफ्ज दा मखरज निकलण वाली जा अलहदा है। अल्लाह अकबर, मखरज निकलण वाली जगह को आ दे वल थोड़ा थोड़ा इन्हें थोड़ा थोड़ा समझाए बैठे, ये जरा लफ्ज होंगे मैं ही लफ्ज के उत्ते थोड़ा जहाँ कलाम करना चाहना, और इन के अंदर ही अपने वक्त को समेटते तुहाडे कोलो कुछ ना कुछ उम्मीद गिनते वापस मंगना चाहना। जरा लफ्ज होंगे उस्ताद जी उन्हें फरमाया भई है जरा लफ्ज होंगे ना इको एक बेमाने च गिन मनो तो इंदा माना बनते फेरना फिरना फिराना, अगर बे लुगत गिनते आओ तो वाल इंदा माना बनते फेंकना, सरैकी ची को बिल्कुल सादा जे लफ्ज ज्यादा ने सटना। तो मेरे ख्याल आदे जल्द बंदा कुछ ई जगह के उत्ते खड़ा होंगे तो वो लफ्ज बोलेंदा खड़ा होंगे, मगर बोलन को ही लफ्ज आदे हूँ इंता बिल्कुल सादा जहा माना क्या बन सी, सादा जहा माना बन सी वो तुहाडे अगू ना कशे सटेंदा खड़े, लफ्ज तो पिछली लफ्ज गहराई उत्ते गौर करो, जब लफ्ज का माना क्या थी फेंकना, ये लफ्ज थोड़ा जहाँ होठ को अगर तुसा हरकत दे सोचना माना तो को दिल बह गए इंता माना क्या बनते फेंकना, फेंकना सरैके आ देना सटना। हूँ जो कुछ असा तुहाडी खिदमत पेश करें खड़े हैं तो क्या खड़े करने कश है सटें दे खड़े, तो मेरे ख्याल आते जरा ये सटना होंगे ना तो जो बिल्कुल फार्मिंग वाला बंदा होंगे किसान बंदा होंगे खेतों वाला बंदा होंगे ना वो ही ढाडा सियाना होंगे, इतना सियाना होंगे कि वो अगर बीज ही बन के सटे ना आम जात नहीं सटेंदा, जट बंदा हो जे को जट को असा कोई अहमियत नहीं देंगे, जे को असा वुकत नहीं देंगे, जे को असा चंगा नहीं समझते तो जट है अनपढ़ है इलिटरीट है अनपढ़ है, यह कोई जानता नहीं, ला इलम है बेखबर है, कई चीज़ तो आगाह कहनी, कई चीज़ तो वाकिफ कहनी, कई चीज़ का ही कोई इलम कहनी, कई चीज़ की कोई खबर कहनी, ये तो जट दियाँ बंदा, मगर जरा बिल्कुल जट दियाँ बंदा आते ना वो भी बड़ा सियाना आते, थोड़ी नज़र च जट है ना, मगर कमाल का बंदा तो है ना, अगर वो बीज ही हल्का जहाँ चेसी ना निका तो निका सुा सड़ा जहाँ सीड्स बीज चेसी ना वो आम जाते कहना सटे सी
ਉਹ ਜਾ ਤੇ ਸਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਗਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਜੰਡੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਈ, ਔਰ ਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਉਹ ਸੀਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜ ਸੱਟ ਵੜਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸੱਟ ਤੇ ਜੱਟ ਚਲਾਵੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਮਾਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਮਦਾਫਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੀ ਔਸਤ ਆਵਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਬਲਾ ਜੰਡੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਜਗਣ ਈ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੀਜ ਈ ਜਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਕੋ ਇਲਮ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜ ਸੱਟ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜੱਟ ਜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਹਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਥੋਂ ਬੋਗਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿਣਾ ਚੀ ਜੰਨਣੀ ਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਹੀ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸਮਾਂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਾਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਰਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੱਲ ਆਖਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਰਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਦੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੇ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਹਣਾ। ਵੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੱਪਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਖਾਲੀ ਛੱਪਾ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵੀਹ ਚਲਾ ਵੇ, ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਖਲਸ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਲਮ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਮਵਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਗਿੱਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ ਵੱਲ ਆਖਾਂ ਚਾ ਰਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਰਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੀਸ ਰਸੂਲ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਤ ਤਸਲੀਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ, ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ, ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅੱਬਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਬਰੁਲ ਉਮਾ ਵੀ ਹਨ, ਆਕਾ ਦੀ ਉਮਤ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਫਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਨੇ ਸਫ ਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਠਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਤ ਆਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰਹਿ ਕੇ ਚਾਕਾ ਜਾ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੋਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛਾ ਦੀਜੀ, ਆਪ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਦੀਜੀ, ਆਪ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਦੀਜੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਹਿਬੀਨ ਨੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇਸਤੀ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਬਣਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਕਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚ ਪੈਦਾ ਥੇ
और वक्त दे ओला मां मैं मुहम्मद दे सीने विच उतर जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कहने, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अरे ही वजह वास्ते अगर कोई शख्स इन तरीके नाल आके कि असा ओला मां को कंड कर सकदे हैं, तो सा जितना टेल लाओ ना ओला मां को कंड करो। सारा दीन सा को कंड नहीं ना लगन देंदे ना कंड थीवण दे। साडा दीन ने इस्लाम ना सारी कंड लगन देंदे ना कहीं दी साकू कंड। वल लफ्ज बोलो चा, ना कंड लगन देंदे। सैयद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा ताजदारे हल अता रदी अल्लाह तआला नु सही, आप जंगल दा सफर पे करें ते जंगल को भा लगी खड़ी आई, अग लगी खड़ी आई। आपने दिखा के जंगल दे मुख्तलिफ जानवर महफूज मकाम दे उत्ते भज दे वदे, लुक दे वदे, छुप दे वदे, हत्ता के आप दी खिदमत दे अंदर ना बिल्ली आ गई। उन्हें कहा हुजूर ए भा लगी खड़ी मेरे को तो बचाओ चा। आपने फरमाया तू मोंडे दे चढ़ा, वो बिल्ली ना मोंडे दे चढ़ गई। आप अगन जो टुरे दा एक बड़ा सारा अज दा हा हाई ऊशुदा चलना ना वदाई मगर भाज ना सकदा, अज दा हाई ना गोदा दा छोटा जोंदा हरकत कर देगी वड़ वणिया, अज दा हाई जरा ज्यादा हाई ताकतवर आई ते आग पीछे चढ़ी आंदी आई। आप दी खिदमत ते चढ़ गए हुजूर मैं कोई बचाओ चा। आप मैं तू कच्चे चवाड़ा, ओ नाम को आपने कच्चे चवाड़ाया ते बिल्ली को आपने मोंडे ते चवाड़ाया। आप जेले अगर तक गए ना ते जेले आग पहुंच गई ना ते आप महफूज मकाम ते पहुंचे। आपने फरमाया वणियो ते अपना काम करो। उना के किदे आपने फरमाया अग दा पहुंच गए तू साके अली बचा। अच्छा भावे नांग दा पुत्र ई को पत्ता हाई अली बचा सकदे। भावे नांगा दा पुत्र आई, चलो मैं सरे के जाकर सप्पा दे पुत्रों में सप्प होंगे ते नांगा दे पुत्रों ने नांग होंगे, पर नांगा दे पुत्र को पत्ता है कि अली बचा सकते। चलो एक अगर मैं मौलवी दी दबाने चाखा चाहता वाल भाई इतना फाबू वैसी जाची वैसी और तुम्हारी तरफ मेरे को कैसे मिल वैसी, नांग को पत्ता है मुश्किल आ गई है, मुश्किल कुशा अली है। अच्छा नांग अली को मुश्किल को जा समझ गए, ख्याल कराए ए नांग ही वे अगू मौलवी वे ए नांग डांग मरे सी जान घिन सी, नांग डांग मरे सी जान घिन सी, जे मुश्किल को शादा मुनकर डांग मरे सी तुहाडा ईमान घिन सी। हाय हाय हाय, ख्याल कराए। चलो बहुत अच्छे, क्या बात है। आप नाम को फरमाया तू लहते वन, मैं कि मैं नहीं लाना। उन्हें कि क्यों, मैं कि मेरा काम है डंगना, मैं डंगे संभाल वे था। आप फरमा ते कोई ही हया नहीं आया ते को मैं बचाए। हूँ जुमला सुना अगवा दे यो कुछ तो को दसाना चाहना, जिंद नाल एहसान किया करो पहले नस्ल ही ठीक करो। चलो एक मैं बई तरह याद सदा, जेंदे नाल कोई भला कीता करो पहले डिठो ही करो। हाय हाय, जेंदे नाल मैं भलाई करेंदा पियां, जेंदे नाल मैं चंगाई करेंदा पियां, जेंदे नाल मैं अच्छाई करेंदा पियां। ही वजह वास्ते शेख सादिया लई रामा सरकार फरमा रही ताई सादिया शेराजिया सबक मद कम जात चुमला शबद शिकवा कुना दुस्ताद रा उस्तादी सबक पढ़ावन दे टाइम दोते, सबक देवन दे टाइम दोते, सबक पकवावन दे टाइम दोते, पहले कहीं को डिठा ता करो जेको मैं सबक देंदा पियां। कम जात कि नहीं निचली तबीयत ता मालिक ता कहनी, चूड़ी तबीयत ता मालिक ता कहनी। अगर तुसा कहीं चूड़े चमहार को सबक दबी तो है मिंबर ते आसी तो आ कोई भौंक सी ते पाका दा गिल्लाई करे सी। अगर कहीं चंगी ना साले को सबक चढ़ी तो मिंबर ते बाद जासी मोहम्मद अरबी दी तारीफ पहले करे सी। आज जेड़ा अमीर मुआविया ते बैठा भौंक दे पता चल गया चूड़ी तबीयत ता, जेड़ा आला हजरत ते बैठा भौंक दे पता चल गया कहीं एरमान नाल ताल्लुक रखदा बैठे। ओ जेड़ा पाका दा जिक्र मिंबर ते बैठा बैठा करे दे पता चल दे पाप पीउ दा ताल्लुक ही पाक नाल है, मां दा ताल्लुक ही पाक नाल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, अकीदा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, वाह वाह, जिंदा रहो, जिंदा रहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जडण आप दी खिदमत च अर्ज करें ना हुजूर, पहले डिठा करो कि मैं जिंदे उत्ते भलाई ते चंगाई पिया करे ना नस्ल की हो जाएंगे, तबीयत की हो जाएंगे। आपने फरमाया अच्छा होना के जी अग भी तो मौला है ना, कपड़ा छुनको ने नाग तले ढह पिया बिल्ली बैठी आई। आप दी खिदमत चार कहते हजूर तुम मेरे नाल ही तो भलाई की थी, उन्हें नाल ही भलाई की थी, मेरे नाल ही चंगाई की थी, उन्हें नाल ही चंगाई की थी, जेड़ा तुआडे को चंगाई घेंदे तो को भौंके अगर इजाजत तो मैं बदला घेंगी ना। वाह
इजाजत हो बदला घेनी ना। आपने फरमा कि बदला घेनी, आप फरमा मेरे को इजाजत रहो चा। आपने फरमा घेनी जल्दी जो उड़ी ना, क्योंकि शेर की जड़ी उस्तानी है ना। चलो मैं वही तरह का जरा शेर द उस्ताद है यो बिल्ला है, जी शेरनी दी उस्तानी है बिल्ली है। हाँ मुजक्कर मुअन्नस जरी इतना वट बेवरा था मेरे को करना पोसे ही शीद उत्ते वल दरी बोलना पोसे, वल मुजक्कर मुअन्नस मुखन्नस उत्ते बोलना पोसे, मगर इतना वल एक एक लफ्ज़ दी मैं आधा करना भाई इतना लफ्ज़ां दे उत्ते जेड़े कपड़े होंदे ने ओही छिलने पोंदे, छिल 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 के तुहानू डेवनी पौंदी वल तुहाडे जट्टां च कोई चस निकलदी है, मगर ये लफ्ज़ उत्ते वल गौर करो चा। आपने फरमाया हुण तू क्या आखना चाहना, उन्हें आखे हुज़ूर मैं इहसान तुहाडे दा मैं तां कबूल कीता, मगर इहदे कोल मैं बदला गिन सोना कि किवें गिन जावर मैं इजाजत लो, इहनूं या बिल्ली मैं जंप मारा ते फौरन वन के उहदे मुँह ते पै गए ना जो वड्डा सारा यो पूरा बारू वल हेठ मार गई दोस्त मैं जो वल हेठ मारे उन्हें अंदरों अंदरों एक गाल आते उन्होंने गाल सुन ती राणा जंगा ले जाए तो मैं ही राणा जंगा ले जाए ये चलावे थी यार एक सरेके च अंदरों एक लफ्ज़ आते गौर कराए असा ही चले वे तू तुसा सामी नहीं चले वे सो इतना रावणा साहबजादा है तुसा वाह करते चलवने असा वेला चाह दे चलवने रावणा किला साहबजादा साहब है एक बार वाला आखना चाहना बिल्ली को नांग ब्याह दे अली सिंह चला वे सी राणा तई थई है राणा मैं इथा ही है, मगर एक गाल सुन मैं तेरे नाल निपट गिन सा सरे कि बई तरह दिन मैं तेरे नाल निपट गिन सा मैं तेरे नाल निपट गिन सा एक कफ पुठा कर दे तेरी बैंक हाँ इवें कर दे कला पुंदे वल मारना पुंदे बंदे को डसना पुंदे मेरी तबीयत चुकी है आखना मैं तो आखने सही अली चला वे सी राणा तई थई है राणा मैं ही थई है। पता चल गया ये जरा वैर आते ना वैर ये नांगा के पुत्र रख दे नाग वैर रखता हूं बिया कोई वैर नहीं रखता हूं बिल्ली जल्दी वालों थी फस से जुमला आपकी खिदमत जा रही उन्होंने हजूर वो इतना कुछ भौंकती पई है और मेरे सामने और तोड़े कदम पे आखिर मैं कोई डर नहीं उन्होंने हजूर मैं ही फसी पई हाँ हूं क्या थी हजरत सैयद इमाम सरकारी ने कहा अख दिठी तो ना कि मैं अपना राह दिता आपने उनकी कंध देते ना हाथ चा फेरा बिल्ली की कंध ते हाथ फेरा बिल्ली की कंध ते हाथ फेरा एली हिको जुमला फरमाया वहीं कंड ना लग जा अच्छा बिल्ली ती कंड ते हाथ होवे एली दा वाह 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 तो जो सारे दी करवाना चाहना और खास कर ए जेड़े मेरे मेरे पेटी भिरा बैठे ना ते होठ आज मैं फुरकवे सा हाँ अगे असं बैठे होंगे स्टेज उत्ते स्टेज उत्ते सारे असं ई वजह वास्ते बैठे सारे के मेहमान असें अज पढ़ने लिए आप हैं सुनने लिए आप हैं अज जे एक आके आए बैठे ने सारे सारे मेहमान बनते आए बैठे ना अज तक चलो कुछ नुमाइंदगी करूँ बैठे यार मौलवियों मौलवी बोले मौलवी ठरदा बैठा होंगे मौलवी भी कुछ ना कुछ अलहदा बैठा होंगे और जरा तबसम है ना ये भी बंदे के गुनाह में कफारा बन देवे आ कदिया पाक फरमाते मोमिन मोमिन भीरा को देख के खेल पवेगा हूँ ती दे कातिया चाहिए दे अपने रोमने रोम एली सही कंड ते हाथ फेरा बिल्ली दे ते कंड नहीं लगी दियो 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 क्या बात है थोड़ा जहा पंथ करो वाल मैं जुलदांगा एली सही कंड फेरन बिल्ली दी कंड ते उंदी कंड ना लगे ते जेड़ा नबी दी कंड दे विचू निकले ये जरा नबी की कंध के विच निकले ये हिमता सादात ना तो जरा सादात देते अज्ञा ही बैठा बोले ना नमाज के सीधे पाते मुँह करते दरूद इब्राहिम उथाल ना पिया पड़े हाँ वाजे तौर पर आखना चाहना क्योंकि उतना पढ़ता बैठा होंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला हाँ हाँ अगर मैं अटकन तो सा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला एक दफा वल पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले हुण आल दे अंदर तो आ गए सारे आए वदन अमीरे मुआविया को भौंकण लईदा धवदे मैं आला ते आला हजरत को आखण लईदा आ धवदे मैं आला हजरत हजरत मौला अली सरकार नाल बुग्ज रखण वाली ता आ धवदे मैं आला मगर आज जनाब दी खिदमत च अर करा चा जेड़ा इतना लफ्ज अपनी जबान तू अलेंदा वदे उकु तुसा ओला मा दा लकब ता दे सकदे वे मगर आका दी जाते पाक दा पाक फरमाने अगर आलम बंदे दी निशानी देखना चाहे उंगा झोल मारा ना दिखाए आलम बंदे दी निशानी देखना चांदे वे उंदे लंबे कपड़े ना दिखाए आलम बंदे दी निशानी देखना चांदे वे उंदे हाथ ते तस्बीह दा गटकार ना दिखाए आलम बंदे दी निशानी देखना कोई प्रोटोकॉल ना दिखाए आलम बंदे दी निशानी देखना चांदे वे ते आलम दी निशानी होसी जेंदा सीना बोगज कोलू पाक होसी उंदे सीने विच इल्म दा नूर आया
मौलवी तो बोगज न रखे ना, असा बोगज तुहारे नाल नहीं रखते, तुसा ही थोड़ा 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 सिर हिलाओ जाओ, तुसा ही कोशिश करो सारे नाल नमाज़ां सारे पिछू ठप्पे भी है ना। फजर को सारे पिछू, जुहर को सारे पिछू, असर को सारे पिछू, मगरब को सारे पिछू, इशा को सारे पिछू, जुम्मा ही गक्या सारे हाथ चुमदे इवें भी पता इवें लगते पहली सलाटे चाहे समरी चे बैठे हो, जल्द सारे ढक्कन खुलते मुकाला मली दे सको खत्मा वास्ते रखा हो, कुल्ला वास्ते रखा हो, जनादे वास्ते रखा हो, गुस्ला वास्ते रखा हो, मर मैयत मर वे धमावन वास्ते रखा हो, जड़ा नबी दी खत्मे नबूवत ते कुत्ता भौंके, जड़े आज चुप बैठे वे जींदे रहो, जड़े जींदे रहो जींदे रहो, जड़े अज तक कह नहीं जींदे बैठे, मैं उन्होंने खिदमत अर करना चाहना, जड़ा नबी दी खत्मे नबूवत ते नहीं पिया बोल सकता अपनी अम्मा को पता पूछे, क्या बात है क्या बात है, आर अपनी अम्मा को आखे अम्मा हर पार्टी वास्ते मैं बोल सकता हूं, हर बंदे वास्ते मैं बहस होता हूं, हर उम्मीदवार वास्ते बोल सकता हूं, हर कैंडिडेट वास्ते बोल सकता हूं, पर चले नबी दी खत्मे नबूवत की वारी आई है, अम्मा मेरी जबान को ताला लागे, मेरी जबान को चंद्रा लागे, मेरी जबान को कब लागे, मेरी जबान नहीं बोल सकी, सुनियो साकुओ जबान नहीं चाहिए, कहीं चापलूसी करे साकुओ जबान नहीं चाहिए, कहीं चमचागिरी करे साकुओ जबान नहीं चाहिए, ओ जेड़ी कहीं गिले करे साकुओ जबान चाहिए है, जेड़ी मोहम्मद दे खत्मे नबूवत है बोले, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारा रिसाल, क्या ये सभा को लोगों ने चमचा गिरी वास्ते रखा है, जे रब हाथ कल पूछने दसा हाथ नाल क्या किता हवी, कान कल पूछने दस हाथ कान नाल क्या सुना हवी, दांत कल पूछने क्या चबाते खाता हवी, बत्री कातियां दे तल्ले जड़ी जबान रखी है ईंदे कोली, कितना पारा निकला है, सैयद ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आप अपने मुरीदीन च बैठे मुरीदा च बहते आपने फरे मजमे दे अंदर फरमाया यार सारे आए बैठे में कोई पत्ता है मुरीदीन है मुतालिकीन है मुहिबीन है मुतवस्सिलीन है मुतअक्किदीन है सिर्फ इवें दिल ले चे कोई बंदे दा पुत्र कोई बंदा दा मिलवाओ मुरीदे आप दी खिदमत चार कीता सारे तो बंदे आए बैठे आप फरमा बंदे आए बैठे ने बंदा मिलवाओ जहान बंदियां नाल भरा पे वाला चलो मैं बेहतर आगा जहान पाकिस्तान बंदियां नाल चलो मैं बेहतर आगा पाकिस्तान बंदियां नाल चलो मैं बेहतर ही आखदा पंजाब बंदियां नाल एक ही बंदा कहना वजीर आला वास्ते एक ही बंदा कहना कुछ पूछा वही सजे खबे ओला माँ बैठे ना कई वाले मसला पूछ गिदा करो फतवा पूछा करो उस्ताद जी जले औरत मर वने मुँह देखू है सिर ई हलाओ या ई हलाओ वो सिर ही हिला सकते वे जड़ी उत्ते बैठी हूँ सिर ही हलवा सकती है ये हूँ बुलवा दे था कोई नहीं सकती मरण दे बाद रन दा मुँह देखू है कोई ना क्यों 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 गुनाह गैर है अच्छा मोई होई दा मुंह ना देखो गैर मोई होई दा नहीं वे देख सकते गैर है अगला वर्ग का वलावा या वला घिनसो सारे बंदे आए बैठे ना कि बंदे आए बैठे बंदा मिलवाओ ना कि बंदे का ना गिनो आप फिर मैं बहलोल का ना मिलो ना कि बहलोल ना कि जिया हाँ फिर मैं बोला जिया बंदा है आप फिर मैं बंदा था वो है ना कि कहीं खाते था ही कहीं नहीं आप फिर मैं वो था खाते था ना कि बई तरह है आप फिर मैं वो तरह वाला है ना कि हजूर अजीब जहाँ बंदा है फिर मैं किमें अजीब वहाँ के हजूर कब्रिस्तान ही खड़ा होते
ते खिलदा खड़ा ते चौके खड़ा रोंदा खड़ा फरमा हे दऊ बंदा आपने फरमाओ चोर जो चोरी करते भज के चलो बी आई कुछ ना तू पिछू का भज पा के जिडे बदर आसी आसी दाई दाई उन्होंने जी हाँ देखा मैं सा खाना चाहिए वहाँ हाथ धोवो रे के सामने पिया हो अपने आपको गिना बनो निवाला छोटा पाओ मुँह पाओ चित खाओ निकार हो शुक्र दिला मतलब रोटी से टोर होने आप मैं भी खाना चाहिए जी गंढी छाती कपड़े छंड गया टोर दे पिछे मोड़ दे टा फरमा तू तो देखो खाव का डाई नहीं आता खलीफे खड़े अंदर ही कंच तो नहीं उन्होंने वाह भाई वाह जो खुद को डाउन नहीं आता सारे पीर को डाउन नहीं आता सर कहते हैं जो खुद को अमल कहें वो सारे पीर को दे इको अमल कहनी जो खुद को तरीका नहीं आता सारे पीर को दे इको तरीका नहीं आता जवान अगले बने वहीं बैठे खलीफे वह तरी कान चाहते अगर पीर सिंह इडे नहीं बना चुप करो तो आपको छोड़ सकता पर बंदे को नहीं छोड़ सकता जवान टुरता टुरता अगले बने वहीं बैठे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम खां आपने फरमा तुम्हारे सामने आया खड़े देखो खाव का डाँ नहीं आना आपने फरमा एक भाई गाल पूछा उन्होंने जी हाँ फरमा तेको बोलने का डाँ दे उन्होंने जी हाँ फरमा कि बोलना चाहिए कि जितना इलम हो उतना बोलो जितना लोगों का इलम हो उन्होंने मुताबिक बोलो लंबी गुफ्तगु न करो छोटे छोटे जुमले बोलो वाद नसीहत करो उठी टुर वो आख मई में बोलना चाहते उन्होंने जी आप गणी जाति कपड़े छंड के अगर टुर दे पिछा मुड़ दे ठा फरमा तू तो जो बोलन का डाँ नहीं खलीफे खड़े उन्होंने अठ कान चाहते उन्हें आ गए तुस आदे जवान ही हो आदे तो ना खाव का डाँ ना बोलन का डाँ दे ना तो को समण का डाँ दे आ फरमा बंदा जो ही है केवल खलीफे काम चेंदे ना सारे मुल्क कोई खराब ही ना किते सत्या नाश कर दीते ने सारे मुल्क दा कक नहीं रिहा मुल्क के मुताले पाकिस्तान च पढ़ाए पे पाकिस्तान दी कोल आबादी चौकी है तो को 575 बंदा कोई सुथरा नहीं मिलता जरा हुकूमत चला सके कल पाकिस्तान दे मिंबरां दी जड़ी तादाद है ना तो कोई हो जे बंदे दा पुत्र हाली तक कहीं नहीं मिला 75 साल थी गए हाली तक घिलींदे वगे साको कोई 600 बंदा ता ही हो जिया सुथरा दे हो जड़ा साडा मुल्क ता चला सके वो तो को बंदे जड़ा नहीं मिल सन ना इदारे चु मिल सन ना यूनिवर्सिटिया चु मिल सन वो जडणी कोई बंदे मिल सन तो तुको दीन दे मदरसे च मिल सन रजू साडे नाल करो नफरी सारे को ढेसारी वे असा एको जवान दे सोचा इंशाल्लाह सारिया कबीना ही बन दिया सन ते साडे मुल्क दा निजाम ही सुथरा थींदा तुसा दीन को कांड करते मुल्क चलाओ जलील तो थी सकदे पर मुल्क चल नहीं वैसे जवान उठी ते खड़ा थी गया हाथ पकड़ गई तो आपने फरमाया जवान दे पुत्र ठीक है साड़ी इलाके च कोई ठोके साडा ही कोई ना है साडा कोई मकाम है साड़ी कोई इज्जत है बहलोल गाल सुन जे डां नहीं आता सिखा जा आप फरमा हाथ ही धोती बैठा हुए रेस की सामने पिया हुए अपने को गिराई भन गिरा छोटा हुए चित का अधिकार हुए शुक्र दिल अलहमदुल्ला पर कलूलिया कर हाथ धो उठी दे टोर वन इवें खावना चाहिए होना के जी हाँ जी फरमाया जे रिस्क खाव वाला हराम की कमाई दा बेटा खाने ता हाथ धोवण दा फायदा क्या क्या बात वाके बोला की में आप फरमाए जितना इल्म हो उतना बोल जितना लोगों का इल्म हो उना दे मुताबिक बोल सब कुछ बोल पर एक दाल दिल दी तख्ती ते लिखो ना के क्या आप फरमाए जी अगर बुलेदा बेटे कहीं दी चाप लूसी ते लाला चे रसा तेरे बोलन दा फायदा की हाय 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 वाके सम्मा की में ए लफ्ज भन घते साकू
ते ना फफड़ा दीते ना सावा थीवा दीते ही लफ्ज उते अगर बंदा अपने आप को महदूद करे चना कोई ना कोई ता शायद बाणी वैसी अदे क्या करा अगर मैं फजरी पढ़ जुहरी पढ़ असरी पढ़ मगरबी पढ़ ईशाई पढ़ सारी रात औरात पढ़ वजाए पढ़ दुरुशरी पढ़ कुल कलाम पढ़ मैं सरेके जमाना पढ़ाई बता हाँ दे उते कुरान रख ते साम पो इमे उनके जिया अगर मैं तेरा सामना इबादत लिखीजे वहां के जिया अगर मैं जे दिल कहीं बोगज रख ते पढ़े तेरे पढ़े का फायदा क्या है चार घंटे वाजो नसीहत करन दी ते सुनन दी चासा सी बावन दी चासा सी लंगर खावन दी भी चासा सी पटके बधन दी चासा सी खुशबो लावन दी भी चासा सी जिस्म उत्ते खुशबो लग वने ते किरदार बदबू वाला हो कुछ नहीं वे कर सकते हिको सनीहा देना वदा कबूल करा है चा हिको ठीक चकर सब ठीक है साडे इदारे बेहमदिल्लाह ताला रब दी जाते पाक ने साकू आलम रब्बानी दीते अल्लाह दी जाते पाक ने साकू ऐसे उलमा अता कीते जिन्हां दे दिल विच अज भी मुहब्बत रसूल कुट कुट ते भरी उन्हां दे अंदर गैरत है रसूल हुरमत रसूल कमाल इश्क नाल है और उन्होंने अज ही छलक दी है कोशिश करो अपने उलमा दे नाल ताल्लुक रखो उलमा दे नाल वाबस्तगियां इख्तियार करो और उलमा दे नाल उठना बावना करो ताकि साड़ी औलाद ही बचे वड्डी बात है साडा अकीदा ही बचे वाखिर